दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे और आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों आज मैं आपको जो सच घटना बताने जा रहा हूं ये दौसा ज़िले की है। दरअसल राजस्थान में एक ज़िला है जिसका नाम है दौसा। दौसा का रहने वाला एक लड़का जिसकी उम्र इस समय 27 साल है और 27 साल में इसकी जो उम्र, ये रहने वाला बेसिकली मेरठ का था, सॉरी तैनाती इसकी इसमें मेरठ की थी, रहने वाला दौसा का था, राजस्थान का। इस लड़के की जो शादी होती है वो 22 नवंबर 2015 को इस लड़के की शादी होती है। ये लड़का यूपी पुलिस में एक कांस्टेबल की पोजीशन पे तैनात होता है और ये जो सिपाही होता है, कांस्टेबल जो होता है, ये स्वभाव का बड़ा सरल आदमी होता है। इसके पास जो है बड़ी अच्छी विरासत थी, इसके पिताजी के नाम पे बड़ा अच्छा कारोबार था घर पे, लेकिन अब जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो शायद ही कोई छोड़े। लड़के ने अपने कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली। जब ज्वाइन किया तो लड़की वालों ने बिना मांगे अपनी मर्ज़ी से 10 लाख रुपए जो है एज आई मीन गिफ्ट के तौर पे लड़कों वाले को दिया। हालांकि गिफ्ट तो कहने की बात है, वो उसका नाम दहेज ही आप कह सकते हैं, गिफ्ट तो सिर्फ़ एक बहाना होता है वो दहेज ही। 10 लाख रुपए अपनी मर्ज़ी से दिया और जब शादी हो जाती है तो लड़का पक्ष जो होता है वो लड़की से सेटिस्फाई तो होता है कि हाँ लड़की अच्छी है, काम धाम करती है, लेकिन शादी के 2 साल तक तो लड़की बहुत सही रहती है। उसके बाद घर में इसके लड़ाइयाँ झगड़े सबसे शुरू हो जाते हैं, सास से बातचीत, ननद से बातचीत, ससुर को गाली गलौज, अपने पति के साथ लड़ाई झगड़े, डेली बेसिस का सीन हो गया और पारिवारिक जो माहौल था वो लगभग लगभग बिगड़ता चला गया। अब इस चीज़ को संभालने के लिए घर का हर एक मेंबर सामने आता है, लेकिन कहते हैं कि जब एक मानसिकता बन जाती है एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के सपोर्ट में ना आने की, तो आप कुछ भी कर लें मानसिकता जल्दी जाती नहीं, क्योंकि एक बार जो इमेज बन जाती है उसको चेंज करना बहुत मुश्किल होता है और यही हुआ इस परिवार के साथ। अब इस लड़की ने जाके पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज करवा दी कि मेरे ससुराल वाले मुझसे दहेज मांग रहे हैं, मेरे पिताजी ने 10 लाख रुपये ऑलरेडी दे दिया है, अब ये लोग प्लॉट खरीदने के लिए मेरे पिताजी से 15 लाख रुपये और मांग रहे हैं। और यहाँ से भी लड़का पक्ष कहता है कि हमने इनसे शादी में भी पहले कुछ नहीं मांगा था, मेरी गवर्नमेंट जॉब थी इसलिए इनके घर वालों ने हमें आप गिफ्ट के तौर पर 10 लाख रुपए दिए, उसके बाद हमने इनसे एक पैसे की डिमांड कभी नहीं की, सिर्फ लड़की हमारे परिवार के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, हमने लड़की को एक सामंजस्य बना के रहने की सलाह दी है और उसका नतीजा है कि लड़की हमारे ऊपर दहेज प्रथा के केस कर रही है। जब पुलिस स्टेशन से इंक्वायरी आती है, सब कुछ चेक करना शुरू होता है, तो लड़की पक्ष वालों से पूछा जाता है कि कोई एक प्रमाण दो कि इन्होंने तुम लोगों से पैसे मांगे हैं, और लड़की पक्ष वालों के पास कोई भी सबूत नहीं था कि लड़के वालों ने उनसे पैसे मांगे हैं। इस तरीके से जो पुलिस होती है इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करती है, लेकिन एक दिन जो लड़की होती है ज़बरदस्त तरीके से परिवार में आके लफड़ा शुरू कर देती है, झगड़ा लड़ाई शुरू कर देती है, और इन सब चीज़ों को देखते हुए ससुर जो होता है पत्नी अपनी बहू की तरफ से स्टैंड लेने की कोशिश करता है, बेटे को ही डांटता है, बेटे को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बेटा कहता है पिताजी इस लड़की के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुजार सकता हूँ, क्योंकि ये लड़की कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे मेरी ज़िंदगी में परेशानी का सबब बन रही है, मैं अपने जॉब का प्रेशर और अपनी पर्सनल लाइफ का प्रेशर मैं झेल नहीं पाऊँगा, इस लड़की को मैं आज के आज अपने घर से निकालता हूँ, जब तक ये नहीं सुधरेगी मैं इसके मायके से इसको लेके नहीं आऊँगा। बाप बाप था, समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब दोनों पक्ष मानने के लिए रेडी नहीं है तो बाप क्या ही कर सकता है, और यही हुआ इस परिवार के साथ इस दंपत्ति के बीच में। जब इस लड़की को घर से निकाल दिया जाता है, बाप ना चाहते हुए भी बोलता है कि बहू तुम टेंशन मत, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। और आपको पता होगा कि मेरठ से दौसा जाने में कितना समय लगता है, दौसा से मेरठ आने में कितना समय लगता है, काफ़ी अच्छी खासी डिस्टेंस है, लगभग 6 घंटे के आसपास का टाइम लगता है ट्रेवल करने में, आप कितना भी कम टाइम लगा लें 5-6 घंटे का टाइम तो लगता है। जब ससुर अपनी बहू को लेके जाता है बस स्टैंड पे, बस पकड़ता है और बस पकड़ के जब वहाँ से निकलता है तो बीच रास्ते में रुक जाता है कि बहू चलते हैं कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, हमें चले हुए लगभग 3-4 घंटे हो गए, हम लोग थक चुके हैं। बहू रेडी हो जाती है, बहू जाती है एक होटल में, वहाँ पर नाश्ता पानी करती है, रुकते हैं लोग, और ससुर कहता है कि बेटा आप यहीं रुक जाते हैं, हम लोग लगभग 2-3 घंटे आराम करेंगे उसके बाद चलेंगे। बहू को लगा कि शायद ससुर बोल रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब ससुर साथ में है तो सिक्योरिटी हमारी पूरी तरीके से बंदोबस्त है, और बहू रेडी हो जाती है। लेकिन जब होटल के कमरे में बहू पहुँचती है तो ससुर की नीयत बिगड़ जाती है, और ससुर की नीयत इस तरीके से बिगड़ती है तो उसकी ससुर जो होता है अपनी बहू को अप्रोच करना शुरू करता है कि बहू तुम्हारे पति ने तुम्हें ऐसा किया, लेकिन मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, चिंता मत करो, आज के बाद पति की जगह मैं। लेकिन बहू जो थी वो सुनते ही तमतमा जाती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है और अपने ससुर को भला बुरा कहना शुरू कर देती है कि तुमसे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। और जब ससुर अपनी बेइज्जती होते हुए देखता है तो उसने होटल के बंद कमरे में ही अपनी बहू के ऊपर, मतलब एक
अटैक टाइप का शुरू कर देता है और उसके कपड़े वपड़े निकालना शुरू कर देता है। और बहू के पास जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू करती है, मैनेजर की आवाज़ लगाती है। और जो हॉस्टल का स्टाफ वहाँ पर पहुँचता है, गेट खोला जाता है तो दिखता है कि बहू के शरीर पर सिर्फ गिने चुने कपड़े रह गए थे, बाकी सारे कपड़े फटे बिखरे पड़े हुए थे। अब आप सोच सकते हैं कि एक समाज में जो एक बाप के दर्जे का ससुर होता है, अगर वो ऐसा करने लगे तो समाज में विश्वास किस पे किया जाए? अगर औरत जो है अपने ससुर पे, अपने बाप पे, अपने पिता पे विश्वास ना करे तो फिर किस पे विश्वास करे? ऐसे लोगों की समाज में कमी है जो हमेशा सपोर्ट करें, हमेशा बढ़ के आगे आएँ और फर्दर प्रोसीडिंग से लिए साहस दें। क्योंकि बाप, भाई या ससुर, जेठ, देवर, ये सारे लोग समाज के ऐसे स्तंभ हैं जिनसे समाज चलता है, जिनसे औरतों को सिक्योरिटी मिलती है। लेकिन ऐसी सिक्योरिटी का क्या जिसमें ससुर ही इस तरीके वाला हो, इस तरीके की सोच वाला हो? दोस्तों, इसलिए बोलता हूँ, हर किसी पे विश्वास नहीं करना है, हर किसी को जज करना है कौन कैसा है, क्या कर रहा है, सब कुछ सही हो तभी आगे प्रोसीड करें। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव ज़रूर रही होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।